जिला कांग्रेस कार्यालय गिरिडीह में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिन्होंने संपूर्ण भारत को, कई छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा भारत में और इस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया और उसी स्वरूप की रक्षा करते हुए आज ही के दिन भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, आतंकवाद से लड़ते हुए जो आतंकवादी इस देश को तोड़ने का जिनका मंसूबा था उनको रोकने में कामयाबी हासिल की, जिनकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के दिन आतंकवादियों ने उनके बेशकीमती रक्त को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उनको इस बात का एहसास था। एक दिन पहले उन्होंने उड़ीसा की जनसभा में कहा था कि मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए काम आएगा, और ये बातें आज भी सच हैं। और उसी शहादत को याद करते हुए आज हम कांग्रेस कर्मी रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आज हम लोग स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहे हैं और पार्टी इसे एक शहादत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, अभी हमने ब्लड डोनेट भी किया है और हमारे सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि इंदिरा गांधी ही एक ऐसी महिला रही जिन्होंने इस देश के लिए काफ़ी कुछ करने का काम किया, आपने देखा होगा कि आंतरिक रूप से जिस ढंग से पंजाब में आतंकवाद हावी हो गया था, जिनको उन्होंने पूरे तरह से साफ करने का काम किया, जिसके वजह से आतंकवादियों ने उन्हें मारने का काम किया, इस देश के लिए अगर कोई बलिदान देने का काम किए है तो इंदिरा जी, राजीव जी ने सब ने देने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग शहादत दिवस के रूप में इनको मना रहे हैं और अभी यहाँ से जाकर के कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा जी की तस्वीर और पटेल जी की तस्वीर उसको अर्पित करके श्रद्धांजलि देने का काम करें। सदर अस्पताल ब्लड बैंक में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इन्होंने आज हमारी इंदिरा गांधी शहादत दिवस हमारे पटेल जी के जन्म उत्सव में इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा काम कभी पड़ता है हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोग ने बहुत सहयोग करते हैं और इसके लिए हम लोग जिला में आज तक हम लोग कभी किसी को मरने ब्लड के चलते नहीं दिए हैं। और मैं पुनः फिर एक बार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं जिला कांग्रेस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।